यार मेरे चैनल में तो पहले से दो वीडियो थे रियाज के, रियाज का स्केच बना के डाला था पहले से दो, तो ये तीसरा क्यों आया? यही सोच रहे हो ना? तो वीडियो को आखिर तक देखना इसको जानने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू से आखिर तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुनास निकले बैक विथ न्यू वीडियो। तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि मैंने तीसरा वीडियो क्यों डाला रियाज का। वैसे मेरे चैनल में दो वीडियो ऑलरेडी थे रियाज के और मैंने एक और डाल दिया, तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उसमें व्यूज़ मेरे को काफ़ी अच्छे मिले थे। जो मैंने पहला जो रियाज का स्केच बनाया था उसमें, मतलब वो मेरे चैनल के जो वीडियोज़ है उसमें सबसे पॉपुलर वही रहा है, और उसको व्यूज़ आए थे पूरे 19K, मतलब 19,000 व्यूज़ आए थे। और जो दूसरा मैंने स्केच डाला था उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का। और ये पहला रीज़न हो गया हमारा। और दूसरा रीज़न ये है कि एक सब्सक्राइबर ने बोला था, मुझे बोला था कि रियाज का स्केच चाहिए उनको। मैंने उनको बोला कि मेरे, मतलब मेरे चैनल पे दो वीडियो ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिए। तो उनने बोला था कि नहीं, ये तो स्केच है, सब बनाते हैं, तो उनको कुछ अलग तरीके का चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना पेन से बना के दूँ उनको रियाज का स्केच। तो हाँ गाइस, मैंने उनको ये स्केच बना के दिया। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्केच चाहिए किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का या सेलिब्रिटी का, तो इसके पीछे दो शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा स्केच चाहिए, फेमस पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी का। जो आपको चाहिए वो कमेंट करके बताना, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डाल सकूं और इसका स्केच बनाऊं। वैसे तो मैं डाल दूंगा, और इस वीडियो को एंजॉय करना और बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना इस वीडियो को, और मेरे हैंड्स को देखना कि मैं किस तरीके से बनाता हूं, किस तरीके से हैचिंग करता हूं, कहां मेरा पैर का डायरेक्शन जाता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।